दोस्तों बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने पिछले सप्ताह एशिया कप में भारत के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले तंजीम हसन साकी को फटकार लगाई है। तंजीम ने फेसबुक पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी थी। बोर्ड ने उन्हें आगे जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट न करने की हिदायत भी दी है। तंजीम की विवादित पोस्ट करीब एक साल पुरानी है। मंगलवार को बीसीबी के क्रिकेट ऑपरेशन के अध्यक्ष जलाल यूनुस ने शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम में कहा, हमने इस मामले में उनसे बात की है। तंजीम ने सफाई दी है और कहा कि मैंने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वह पोस्ट नहीं की थी, बल्कि अपने लिए लिखा था। अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे इसके लिए खेद है। दरअसल दोस्तों पूरा मामला यह है कि तंजीम हसन साकिब जो अभी जल्दी में इंडिया के खिलाफ खेले थे, उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि पत्नी काम करती है तो परिवार और समाज बर्बाद हो जाता है। तंजीम हसन साकिब ने अपनी पोस्ट में लिखा था, अगर पत्नी काम करती है तो पति के अधिकार सुनिश्चित नहीं होते हैं, अगर पत्नी काम करती है तो बच्चे के अधिकार सुनिश्चित नहीं होते हैं, अगर पत्नी काम करती है तो उसकी सुंदरता खराब हो जाती है, अगर पत्नी काम करती है तो परिवार बर्बाद हो जाता है, पत्नी काम करेगी तो समाज बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा था कि पुरुषों को उन महिलाओं के साथ नहीं रहना चाहिए जिनके यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पुरुष मित्र हों, क्योंकि उनके बच्चे विनम्र नहीं होंगे। तो दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।